जी हुजूर। अरे बाप रे यार, ये माइक कमाल का है भाई, क्या डिजाइनर चीज बनाई, क्या बात है, कहां से हीरे स्मगल किए हैं। ओके, पहले तो सर क्या कहना चाहोगे, बेहतर इनिशिएटिव है अनुरंजन जी के बेटी के लिए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। देखिए, ये इनिशिएटिव तो अब रह नहीं गया है, ये एक बहुत बड़ी मुहिम हो चुकी है। इनिशिएटिव नहीं रह गया, ये अब बहुत बड़ी एक मुहिम हो चुकी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़बरदस्त कॉज है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, सबसे लार्जेस्ट सेक्शन मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में इस देश की जान बसती है, और हमारे मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, लोअर मिडिल क्लास में या गरीब परिवारों में भी कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो ऐसी बच्चियों को जो आगे पढ़ना चाहती हैं बट उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी बच्चों के लिए जो शशि और अनु ने ये मुहिम शुरू की है और इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा NGO चला रहे हैं वो लोग और इतनी बच्चियों को मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा काम है देश की बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म। इसके अलावा शो की बात करो, ये हफ्ता कैसा था कि इट वाज अ वनराज शो दिस वीक? रियली या इट वाज, एंड आगे वाले हफ्ते में किस तरह के चेंजेस नजर आएगा? देखिए वनराज, सॉरी सो वनराज शाह एज ऑलवेज हैज बीन वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ऑलवेज बीन वेरी एजी, समटाइम्स व्हेन ही इज वेरी वेरी नाइस ऑल्सो पीपल गेट स्केयर्ड कि यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। सो वनराज इज सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले बिकॉज ही इज नेवर प्रेडिक्टेबल, कब क्या कर जाएगा वो पता नहीं रहता, बट एट हार्ट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर। सो अभी आजकल एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा गिल्ट रिडन भी था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें वो उसको लगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसे कुछ लोगों से जो ख़ास लोग हैं, की कैरेक्टर्स हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने वो भी किया, एंड अभी शायद थोड़ा सा रिडेम्पशन होगा और उसके बाद आगे वनराज क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता है, ये शायद राइटर्स को पता होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सिद्धार्थ टाइटलर के आउटफिट्स हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट पीपल, तो हमारे बिना बोले ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमारा लुक क्या होगा और हम दोनों मैचिंग होंगे, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू सिम। आई थिंक शी इज़ लुकिंग फैबुलस एंड आई थिंक आई एम लुकिंग ऑलराइट, यू आर लुकिंग फैब, एंड ये सब सिद्धार्थ टाइटलर का कमाल है, सिद्धार्थ टाइटलर ही इज़ अ फ्रेंड, इज़ अ डियर फ्रेंड, एंड मजे की बात है उसने आज तक मेरे मेजरमेंट्स नहीं लिए बट इज ऑलवेज गॉट माई आउटफिट्स बैंग ऑन। अपनी सास के बारे में क्या ही बोल सकता है। मैं क्या बोलूँगा, 100% इट इज़ द मोस्ट नोबल कॉज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, और मज़े की बात यह है कि मैं एक्चुअली अनुष्का को भी इसी शो पे मिला था, बेटी के शो पे 5 साल पहले मैं मिला था,
and life is a full circle and I'm just very honored to be a part of Beti. The initiative, jo cause hai unka, is very, very noble. What do you want to say about your bring such an initiative, which is a very great initiative? Yeah. I just believe in your mom's support that you are planning so many things in future. Yeah. For the children, for the girls. Yeah. What do you want to say? I mean, I'm very, very proud of my mother. Jab unhone ITA bhi shuru kiya tha, it was against all odds. That time, log bolte the ki, kya hai, TV kaun dekhega, etc., etc. But now look where television is. And jab unhone ye cause bhi shuru kiya tha, nobody was taking it very seriously ki there's an issue with a girl child in India. Par aaj aap jahan dekho beti bachao beti padhao chal raha hai. So I feel proud that my mom was one of the first people to start it. And more than that, I feel hamara kaam bhi bahut baki hai kyunki jitna hum eyeballs chahte hain aaj tak hame mila nahi hai. So I want everybody to talk about this ki jaise hum beti bole everybody knows hum kiske bare mein baat kar rahe hain, hamara mission kya hai, and sab hame support kare. Sir, iske alawa aapke koi upcoming project ke bare mein kuch batana chahoge? Nahi nahi, aaj sirf beti ke bare mein baat karenge, projects aate jaate rahenge, but this is way more important. This is today, this is going to be there for a while, to aaj hum beti ke bare mein hi baat karte hain. Bahut bahut thank you. सबसे पहले तो मेरा एक चीज़ माननी है कि जिसके घर में पहले बेटी आती है वो आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है, तरक्की होती है उसकी लाइफ में. मैं खुद ज़िंदा जागता सबूत हूँ इसका. और मेरे कितने ही ऐसे दोस्त हैं जिनके घर में पहली बेटी आई और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़के नहीं देखा. कईयों को आप भी जानते होंगे. और ये इनिशिएटिव नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक सूझबूझ है जो सबके दिमाग में डालनी चाहिए कि बेटियों के बिना कैसे सोच सकते हो वर्ल्ड को आप. इस मतलब कायनात को ना तो सोचा जा सकता है ना मुझे लगता है बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले बेटी ही बनाई है, वो बेटी माँ बनी है, फिर माँ के बाद दोबारा बेटियाँ बेटे बनने शुरू हुए हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय अनु मैम, सो आई अप्रिशिएट फॉर दिस. Strong woman, and she has been completely motivated to do this movement. And I think Anushka and Kanchi, as we know her, Akanksha, both are incredibly strong, beautiful, independent girls, hardworking. And that's how I think. I think the main thing is to always keep our girl child as motivated, if not more motivated than our boy kids, because if we don't do that, then as a society we have no self-respect. So I think this is a very important movement. As a woman, I fully support anybody who does things to empower women. While coming for this event, what was your Honestly, I hope we don't get stuck in traffic. Yeah. I think that was a thought process. Honestly, it's just to be here for our friends and support family. Yeah. And there are so many things of Bollywood. It's going on and on. What do you want to say
there is also a trend of asking this question. Yeah, yeah, you want to say? I don't know why people are doing this, and whoever is doing it, if it is, you know, people work very hard, make films, and they should get their due. And it's not only about this industry, it's about total economy of our country. This is a part of that. So it's nonsense. Everybody should be prosperous, right? So you boycott something, you making a dent in the prosperity of the society. And yeah. अरे बड़ा अच्छा है, मैंने देखा कल. मैंने मैं ट्रेलर थे पूरा नहीं देखा, नहीं देखा सुरभि के साथ. हाँ हाँ नहीं सॉरी पूरा देखा मैंने कल. बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. गाना बहुत अच्छा है. आई मीन अली ने हमेशा पहले भी जितने गाने किए बहुत अच्छे किए. ही इज आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. सो या I think I'm just a second word Arslan is saying about how the entire economy of our film industry suffers, because it's not only about the actors and the directors, it's the whole unit of people. Yeah. They've worked so hard, and it's a lot of hard work to make a movie. So I feel very sad when some few people of society can just suddenly say boycott so much of hard work of years. So I don't think it's fair. Yeah. Ma'am, aapne jis tarah se kaha ki boycott ke bare mein, lekin kai sare celebrities bhi abhi keh rahe ki hamari film ko bhi boycott karo. Yeah, wo ab conspiracy theory mere ko nahi pata hai. That's why we don't want to talk about that. Thank you. Sir, pehle to is tarah ke initiative mein aana bahut gurv ki baat hoti hai. Sir, aapke liye kitni gurv ki baat hai, aur Anurandhan ji ke bare mein kya kehna chahoge? वाकई में आप सही कह रहे हैं. इस तरह के इवेंट में, इस तरह के इनिशिएटिव में आना बहुत ही, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. और मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, और ये बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है. और थैंक्स टू अनु जी और शशि जी कि मुझे उन्होंने इस इवेंट के लिए आमंत्रित किया. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सर, अब जब आ रहे थे, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या करने वाले हो, आप रैंप पे भी चलने वाले हो, सर कितनी खुशी होती है? ये थॉट, ये इतना खूबसूरत कॉज के लिए है ये इवेंट, कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना है. मैं जब आया तो उन्होंने मुझे ये दिया कि ये पहन के आपको रैंप पे वॉक करना है. सो आई होप कि मैं रैंप पे गिर ना जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए. सो बट हाँ, लेट्स गो एंड सी क्या होता है अंदर. जी सर, अगर आपने देखा हो, पहले मैं ब्रेक्स नहीं लेता था. अब ब्रेक्स लेते हैं हम लोग, और ऑब्वियसली अच्छा भी लगता है, और आप खुद रिफ़्रेश होते हो जब आप बच्चों के साथ, यू नो इट्स लाइक मेडिटेशन, बच्चों के साथ खेलना, प्ले करना. सो मैं बहुत टाइम देता हूँ, क्योंकि एक तो वो हुई लॉकडाउन में, मेरे दोनों बच्चे लॉकडाउन में हुए, सो मैंने बहुत टाइम दिया है. और उसके बाद अभी भी हम लोग ब्रेक में थे, वेकेशंस पे थे, आई वाज इन कनाडा. तो एक बॉन्डिंग और बढ़ जाती है जब आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. सो I'm having the touchwood best face of my life. पता नहीं सर, इतना मैं इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई अपनी फिल्म अभी आई नहीं है. पर हाँ, ये ट्रेंड ट्रेंड चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये सब वक्त की बात होती है. वक्त ही कह सकते हैं आप. A-lister actress भी बोलती है कि हमारी मूवी बॉयकॉट कर दीजिए, और मूवी अभी बॉयकॉट ही हो गई है. सर, उसके बाद अक्षय पाजी जो आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी मूवीज काफ़ी बॉयकॉट हो गई है. उसके बाद ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि उनकी कोई मूवी बॉयकॉट हुई है. हाँ सर, उनकी रक्षाबंधन की काफ़ी ट्विटर पे काफ़ी रक्षाबंधन बॉयकॉट करके. सर, ये ट्विटर की दुनिया से तो मुझे दूर रखो, मैं ना बड़ी मुश्किल से निकला हूँ. थैंक यू गाइस, थैंक यू. चले सर, एक सवाल है. अच्छा, नाम अभी रमेश जी, आप नाम? जगह संजय.
पवार। मिस काजल पोपट, नीला राजू, always been there for us, no matter what, especially for this show. Ritu Shah Jeweler, where is she? Well, ladies and gentlemen, the show is about to begin, but it is absolutely incomplete without your Zordar Taliya. Can we please do that? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। पिछले मोर देन वन एंड अ हाफ डेकेड से चला आ रहा है, 16 साल से ये चीज़ चली आ रही है। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अनुरंजन मैम ITA फॉर यू नो कंटिन्यूइंग विद सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं वो। बेटी बी विद बेटी इज समथिंग आई वुड ऑलवेज बी यू नो अटैच्ड विद, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि यू नो यहाँ पर आकर उनके साथ उनकी मेरे तरफ से जो भी मदद कर सकूं मैं करूँगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कहीं ना कहीं यू नो हम हर एक चीज़ शायद गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कवर नहीं कर पाते। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGOs है, ये इनिशिएटिव जो है वो हेल्प करते हैं हमें, ताकि एजुकेशन जो है वो हर एक क्लास और हर एक यू नो इंसान को मिल सके। जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही वार्म रिस्पांस मिल रहा है। सारे यू नो मेरे सोशल मीडिया पर हर एक यू नो एवरी मिनट आई एम गेटिंग सम ऑफ द अदर थिंग, कुछ ना कुछ यू नो
बहुत बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर. रॉकी और ज़्यादा रॉक करेगा और आगे जाकर और ज़्यादा स्टोरी अनफोल्ड होगी और थ्रिल और ज़्यादा इंट्रीगिंग बनेगा. थैंक यू. हिंदी इंग्लिश क्या बोलना है? कोई भी नहीं. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से. क्या कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में? किस तरह से आप लोगों ने प्लान किए फॉर दिस प्लानिंग? हैज टेकन अ फ्यू मंथ्स जस्ट टू पुट एवरीबडी गेट एवरीबडी टू बी पार्टिसिपेटिंग इन इट. बट ये हमारा 24th शो है फॉर बेटी एंड वी हैड अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स ईयर ऑन ईयर. And this year the main concentration is on education, जो हमने पिछले I think 6-7 सालों से शुरू किया है. नंबर कभी 300 प्लस लड़कियाँ हैं. वी प्लान टू मेक इट 500-600 प्लस बिकॉज अ लॉट मोर नीड हेल्प फॉर देयर टू स्टडी. दे नीड फाइनेंशियल हेल्प एंड दैट इज़ वॉट वी आर वर्किंग. नहीं, मुझे खुशी है कि अनु ये इतने पैशन के साथ इतने सालों से बेटी मूवमेंट को चला रही हैं और समाज का एक वर्ग है जो लड़कियों को एक लेसर जेंडर समझता है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए कि लड़की भी उतनी ही इक्वल है या वह उतनी ही सक्षम है जितने लड़के हैं. और हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के जो बेटियां हैं उनकी हम मदद कर सकें. जैसे इस बार पिछले 2-3 साल से हमने कोई 300 लड़कियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है कि उनको तीसरी क्लास से लेके HSC SSC तक हम शिक्षा प्रदान करें. आने वाले समय में कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो? अभी तक आप अचीव नहीं किया? इट्स जस्ट द नंबर्स. मतलब नंबर्स हैं एंड हाउ मेनी गर्ल्स वी कैन स्पॉन्सर टू इंश्योर के फिर इनमें से कोई IPS करने जा रहा है, कोई IFS करने जा रहा है, समबडी इज़ गोइंग टू बी अ डॉक्टर. सो वेरी सून इन द ईयर्स टू कम आप देखना यही लड़कियाँ फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ आई हैं इन SSC एंड HSC. नंबर 3 इज़ ओनली अ बॉय और ये सब बेटी की लड़कियाँ हैं. सो कल क्या करें? आई एम श्योर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ गुड फैमिलीज कमिंग आउट ऑफ you know below poverty line and prospering in life. Iske alawa kitni khushi hoti hai haal hi mein cricket team ne mahila cricket team ne silver medal bhi jeeta uski liye kitni khushi hoti mama? Anything women do thumbs up. And mam celebs bhi kaafi aa rahe hain aapke show mein support karte hain, kis tarah ki feeling hoti hai sir aapke laage? Nahi, main unka abhari hu, bahut abhari hu. Hum is mamle mein bhagyashali bhi hain ki hame बहुत ज़्यादा सपोर्ट है फिल्म और टेलीविज़न और समाज से. और समाज तभी जुड़ता है जब कॉज सही होता है, अच्छा होता है. तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं उनका धन्यवाद हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम सुपर एक्साइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंडली मैं बहुत सालों से शो का हिस्सा हूँ और बिकॉज अभी लॉकडाउन था तो इसलिए शो नहीं हो पाया. नहीं तो जितनी बार भी आई थिंक शो हुआ तो मैं ऑलवेज हमेशा इस शो का हिस्सा बना हूँ.
और हमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम जब ये बीटी के नाम पे करते हैं ये शो तो बहुत प्राउडली फील करते हैं कि यार एक चीज़ जो है जो हम कर ले। हाँ थैंक यू सो मच। लुक आपके सामने ब्लैक ब्लैक शो का थीम भी है और ब्लैक की लुक है हमारा। यार वैसे भी जो लड़की का आई थिंक जो मैंने सीखा है बिकॉज मेरी खुद की चार बहनें हैं और मैंने अपनी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट दी है। इवन यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है वो मेरी बड़ी सिस्टर का है। तो मेरे लिए लड़की ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी रही है बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में अगर आपकी लड़कियाँ हैं तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी इज्जत करते हो, उनके सपोर्ट बनते हो, उनके साथ खड़े रहते हो तो आप समाज में कहीं पे भी कोई भी लड़की होगी तो उसके साथ आप सपोर्ट बनकर उनके साथ खड़े रहोगे। चल रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा, रूबरू हूँगा बहुत जल्द। थैंक यू अभी भाई आज बैक टू बैक मिलते हैं। बोल बाप इस तरह के इनिशिएटिव लाने से ज़्यादा इस तरह के इनिशिएटिव और ज़्यादा होनी चाहिए हमारे देश में क्योंकि बेटियों का ज़माना है यार। बेटियां तरक्की करेंगी तो देश तरक्की करेगा। जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि जब आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ एक लड़के को पढ़ाते हो, जब आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो एक परिवार को पढ़ाते हो। तो बेटियों को सुरक्षित रखना, बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ भी पहनूँ अच्छा ही दिखता हूँ, मैं तो पैदा ही अच्छा हुआ तो मैं यार जो भी मिले वो पहन लेता हूँ। आज थोड़ा सा इंडियन पहनने की कोशिश की है सो अच्छा ही लग रहा हूँ मैं, पता नहीं बाकी आप लोग ही बताइए। मैं इसमें एक और लाइन जोड़ूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव और होने चाहिए और जैसे मैंने कहा कि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं बहुत फॉलो करता हूँ यार खतरों के खिलाड़ी देखता हूँ मैं, रोहित सर के लिए भी देखता हूँ कि रोहित शेट्टी गांव वाले भी हैं और मेरे फेवरेट भी हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा शो है, बहुत मज़ा आ रहा है। राजीव आदित्य से मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी पर वो कमाल कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है वो। निशान प्रतीक सभी अच्छे हैं, मैं तो अभी भी चाहूँगा कि मेरे बिग बॉस परिवार का ही कोई जीते। टॉप थ्री बताना इस वक्त बहुत मुश्किल है यार बिकॉज वो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अबॉर्ट नहीं कर रहा टास्क, हर कोई अपना एफर्ट दे रहा है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रूव देम सेल्फ। सो टॉप थ्री क्या बहुत मुश्किल है इस बार, कट टू कट होने वाला है। इसके अलावा म्यूजिक एल्बम की बात करें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला गाने से, आने वाले समय में क्या म्यूजिक एल्बम की तरफ रुख करते या फिर कोई रियलिटी शो में स्विच करना, एक और बार रियलिटी शो करना पसंद करोगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का कि मेरे म्यूज़िक वीडियो को इतना पसंद किया। एक और म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ बहुत बड़ी, उसके अलावा मेरी एक फिल्म है पार्टनर्स जो कंप्लीट हो गई है और पोस्ट प्रोडक्शन में है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा शो होस्ट करने वाला हूँ। मेरे लिए कोई भी काम जो भी अच्छा हो करूँगा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ अच्छा या बुरा होता हूँ, जब तक हूँ आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा और अच्छा ही काम करूँगा। थैंक यू, बोल बाप।
I'm very happy and thrilled that everyone is getting the equal chance to be educated and be and grow and evolve as people. And I'm really glad that the Beti initiative is happening. No better time than now. And I'm really glad to be here and show my support for this. I'm sorry? There are bits that it's, there are few talks still going on, so I don't want to commit to saying anything without things being finalized, but yeah. And what are you wearing? Zara. It's unfortunate because every industry has the scope to succeed, and it's unfair and like it's not the greatest place to be. It's unfortunate, and I hope we get better films which are more successful. There's, yeah, we honestly, we've put in a lot of hard work, our soul, a lot of our energy, and when we don't get the success and the through our box office or whichever, or through our feedback, it really hurts in many ways for us to come back and make another film. It gets harder for us. So only if we can just show a bit of kindness, it will be great, and support to each other and help each other through tough times. Yes, thank you. Thank you. I think Anuji is associated with Beti the movement since quite a lot of years, and it's very, very nice that she has worked with so much of passion, because jabhi bhi aap kuch bhi cheez passion ke saath karte hain uska phal acha hota hai. And Beti yani hum, and hum sab jante hain ki kaise abhi bhi is desh ke andar जो थोड़ा बहुत पुरुष प्रधान है, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को और ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। Well, it feels very nice because, like you all know, I have just come to Bombay and I am busy figuring out my reception. मगर जब अनु जी के साथ बातचीत हुई, अनु जी ने बोला कि उनका ये event आज है, I was like I'll do drop it and show my support, because as a woman, I feel we women need to stand by programs which you know promote women empowerment. जितना इस इंसिडेंट के ऊपर पड़ा है, आई फील दैट अ 5 month ओल्ड लेडी हु वॉज रेप्ड एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम हर हाउस वर किल्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड द अक्यूज्ड वर रिलीज्ड, इट साउंड्स नॉट एक्सेप्टेबल. आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि ऐसा जुडिशरी कर सकता है, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड. द एग्जैक्ट डिटेलिंग जिसकी वजह से उन अक्यूज्ड को रिहाई मिली है, दैट आई विल कम टू नो इफ आई रीड इट. बट जब आप प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ पड़ता है कि दिस इज नॉट राइट. इट इज नॉट राइट दैट अ 5 month ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी वॉज रेप्ड एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम हर हाउस वर किल्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड द अक्यूज्ड आर रिलीज्ड. इट डजंट साउंड ओके.
देखिए, आई बिलीव दैट वी आर लिविंग इन द टाइम्स वेयर ओपिनियंस आर कमिंग आउट. सोशल मीडिया के ज़माने में एवरीबडीज ओपिनियंस आर कमिंग आउट. तो अब जब ओपिनियंस बाहर आती है, लोगों का रिएक्शंस होता है. रिएक्शंस अफेक्ट योर फिल्म्स, रिएक्शंस अफेक्ट योर बिजनेस. सम पीपल लाइक मी बिकॉज ऑफ माई ओपिनियंस, सम पीपल डोंट लाइक मी बिकॉज ऑफ माई ओपिनियंस. मगर एक पिक्चर शुड बी डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट. बॉयकॉट ट्रेंड से सिर्फ एक चीज़ साबित होती है कि आप जानबूझ के एक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है. पीपल आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. देर आर टेक्नीशियंस, देर आर कैमरामैन, देर आर एक्टर्स, देर आर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है. तो एक तरीके से जस्ट अटैक करना, टू यू नो सैबोटेज द एंटायर इंडस्ट्री, यू आर ट्राइंग टू सैबोटेज द लाइवलीहुड ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल. सो दिस इज नॉट राइट. आप गलत के साथ गलत बोलिए, सही के साथ सही बोलिए, मगर एक इंसान, एक हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल पहले था या 10 साल पहले था रिगार्डिंग अ फिल्म ऑफ हिज, बिकॉज दैट वॉज द कंटेंट ऑफ हिज फिल्म, वो पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंसान के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारना गलत है. जी हाँ, सुपरस्टार्स हो या जो भी लोग हो जो समझते थे कि दे यू नो टेकिंग फॉर ग्रांटेड द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर गोइंग टू बी मच मोर केयरफुल बिकॉज दे आर पब्लिक पर्सनैलिटीज, बिकॉज दे आर सुपरस्टार्स, बिकॉज दे आर पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस, दे विल बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल टू द वर्ल्ड बिकॉज वो बहुत मैसेज देते हैं, दे इंस्पायर द यूथ. क्योंकि आपने देखा है कि कैसे हम कहते हैं कि पान बीड़ी गुटका इज रॉन्ग, बट देन यू हैव सुपरस्टार्स एंडोर्सिंग देम, सो दैट्स नॉट राइट. सो एज रिस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर्स, दे नीड टू एक्चुअली प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच. See, I'm just looking forward to do some good work because I don't think I'm cut out to join any political party right now because I'm too, I think, straightforward and I need to be much more diplomatic if I have to join a political party, I feel. So it's better to concentrate on my acting because I'm an artist. So I would just go for anything that is good content-wise and that's about it. I will just go at that time with my thought process because for me my nation comes first. It's always about my desh, my nation. So whichever party works with that thought process is my zone. Thank you. That way. How does it feel for me to be here? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अनु रंजन और शशि रंजन के ये इवेंट में, जो मैंने बहुत साल पहले भी किया था और हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सपोर्टिंग सच अ गुड कॉज. और मुझे नहीं लगता है कोई और दुनिया में कोई और ऐसा देश है जो ये मुद्दे पे यू नो क्वेश्चन करता है कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है. तो हमें हमारे देश से ये क्वेश्चन ही हटा देना चाहिए. आई थिंक अ गर्ल चाइल्ड इज़ एज इम्पॉर्टेंट इफ नॉट मोर देन अ बॉय चाइल्ड. अ चाइल्ड इटसेल्फ इज़ अ बून ऑफ गॉड एंड शुड बी लव्ड एंड सेलिब्रेटेड रादर देन सेइंग कि ये लड़की है या लड़का है. सो आई एम हियर टू ब्रिंग इट अबाउट. आई लाइक दिस कॉज एंड टेल यू ऑल
that it does not matter if it's a girl or a boy. I am also somebody's daughter, and you know, you have to celebrate life and give life to the baby that's come. Am I right? Absolutely, absolutely. देखिए, इतने बरसों से अनुरंजन, शशि रंजन, खासतौर पे अनुरंजन, ये बहुत ही सुंदर प्रयास करती है बेटी का ये फंक्शन. कोविड की वजह से शायद 2 साल से नहीं हुआ, जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को, गर्ल से संबंधित हर चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है. और पूजा ने बिल्कुल सही कही बात कि उतनी खुशी होनी चाहिए, मुझे तो लगता है ज़्यादा खुशी होनी चाहिए जब घर में बेटी आए. और अब चूँकि बात सिर्फ वहाँ तक नहीं है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, सो ऑल दीज वंडरफुल थॉट्स, वंडरफुल प्रयास जो किए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई बेटी और बेटी से जुड़े हुए सभी लोग. थैंक यू. बेटी की, बेटी से संबंधित बस कोई बात हो तो बताइए. मुझसे कोई मैंने फिर से कहूँगा, इस वक्त मैं यहाँ पर इस बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्राइव के बेटी को पढ़ाया जाए, बेटी को, बेटी के पैदा होने से, बेटी के घर में होने से और भी खुशी हो, इस बात से संबंधित बात करने के लिए शुक्रिया. कमदार Done.
यहाँ पर मैम मैम लुक सेट थैंक यू मैम Okay.
बेटी जो एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अनु जी ने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया। पहले ये लोग फायर विक्टिम्स की, एसिड विक्टिम्स की हेल्प करते थे, अभी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो आई थिंक मैं हमेशा इनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मुझे हमेशा लगता है सबको बहुत ज़्यादा मिल के बेटी एसोसिएशन को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लाना, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग भी फुल सपोर्ट करिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अगर 100-200 लोग लिख देते हैं बायकॉट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिल्में अब जो फिल्म अच्छी होती है वो हमेशा चलती है और बहुत बड़ी हिट होती है। थैंक यू। आई थिंक वो आप तापसी से पूछो बेटर, उससे बोला है तो उसी से पूछो। Society. This is for us, this is for our next generation, so I'm really glad that I'm here today and supporting this cause. बहुत important हो जाता है because social work and this initiative. So we are just really glad that we are here and ये हिस्सा बनना is very important. इन इंडिया हम सब जानते हैं कि बेटी बचाओ और बेटियों के लिए कितना सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे फाउंडेशन है जैसे ये, हम चाह रहे हैं कि उनको वो चीज़ मिले। मुंबई में हम वो नहीं जान सकते कि वो कितना ज़रूरी है, बट वो हम सारी चीज़ें जो गांव है, वो छोटी छोटी सिटीज़ है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। सो ये मैसेज हमें वहाँ तक पहुँचाना है कि बेटी बचाओ और खुश रहो। आज बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है, सो इसलिए आज साड़ी पहनने का डिसाइड किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माई अपकमिंग प्रोजेक्ट, वन इज ऑलरेडी स्टीमिंग ऑन Z5 विच इज नेम कॉल रेज द कलर। बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, बहुत सारा देखो भी बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला और नेक्स्ट मंथ एक और सुपर सरप्राइज रिलीज होने जा रहा है Z5 में ही, हॉट स्टार में। So I'm glad and I want you all to see and let me know how you like my work. आप यही समझ सकते हो। Exactly, इसीलिए तो मैं OTT में जा रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है छोटी चीज़ का। Thank you so much.
अब तो मैं उनको एक्चुअली बचपन से जानती हूँ, उन्होंने तो मुझे बड़े होते हुए देखा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग लाइफ में इतने अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और सब सारे कितने इंडस्ट्री के लोग आए हैं और देखते हुए कि वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप सिर्फ हम यहाँ नहीं, हर जगह हर बेटी, हर माँ और हर बहन को सपोर्ट करें और सबको प्यार से ट्रीट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने बोला, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब अपनी शोज छोड़ के और कहीं ना कहीं अपने कीमती समय से यहाँ पे आए हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा पत्रों के बारे में आपके फ्रेंड जन्नत, मुझे पता ही था बिग बिंग से अच्छा करेगी, मैंने उसे पहले ही बोला था अच्छे से करके आना नहीं तो वापस मत आना, तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ कि वो अच्छे से कर रही है। जन्नत, रुबीना, फैजू सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो जो खतरों के खिलाड़ी में गया आई थिंक वो खुद में ही एक विनर है, उनमें इतनी हिम्मत है, तो सब लोग के लिए हैट्स ऑफ। अभी नहीं, जैसे ही होगा सबसे पहले बताऊँगी। चलो बाय। Excuse me. Where do we get it from there? Yes. आपके साथ में बैठ गया? बस यहाँ तक सर। Thank you.
right now. Can we all put our hands together and make some zoned-out noise over here, everybody? I'm your host, Kashmita Bhatia, and I'm truly, truly honored to be a part of this event. But what do I say? Let me add on something that's very special and very important that I have made a note of it today. Well, Beti is a step in the service of womankind. The motto and mantra is one in all and all in one, wholly and totally for Beti. Did you remember? We were there together, and today 16 years have gone by. We started with female femicide because that we were told that awareness was needed in the country, and was approached by the UNFPA. And post that, then a lot of things came up, like acid victims, rape victims, and wherever we could help. But now, for the last 7 years, we've been concentrating on education. And today I'm going to introduce you pass SSC 4th, 5th little 8 to 10. के बच्चे हैं।
यह संस्था पिछले दो उनका आर्थिक विकास कर रही है। मेरे परिवार में हम 13 लोग हैं। मेरे माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। Shabana ji on stage was there when we started this. Today, 15 years later, she's there with us again. And my very favorite Shashi Ranjan. Okay, now I. Apna purana wale. That we want to give something special to these girls, which is thanks to all of you again for the wonderful job they have done. So please, we invite on stage. दोस्तों गुड इवनिंग नमस्कार मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ आज शाम को जुड़े मुझे बेहद खुशी है कि मेरे साथ शबाना जी हैं जो खुद एक बहुत अच्छी संस्था मेज़बान के नाम से इतने सालों से अपने अब्बा के नाम से यूपी में चला रही हैं और इनकी निष्ठा और इनका जो उत्साह है वो हमारे लिए भी बहुत प्रोत्साहक रहा है। इनफैक्ट जो हम आपके लास्ट शो में गए तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी तो मुझे मैं खुशी दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रमेश तोरानी जी का कुमार तोरानी जी का टिप्स इंडस्ट्री का ये हमारे साथ पिलर की तरह जब जब भी हमने किसी भी चीज़ की मांग की ये हमारे साथ खड़े हुए तोरानी साहब मैं आपका हार्दिक शुक्रगुजार हूँ मैं कपिल का भी शुक्रगुजार हूँ कि कपिल को जब भी कभी हम किसी भी सामाजिक चीज़ के लिए बोलते हैं वो चाहे कितना भी बिजी हो वो हमेशा यहाँ आता है और आज हम आपके सामने ये जो आपने एवी देखी उसमें से वो लड़कियाँ जो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ 80 या 90 प्लस लेके आई हैं हम उनको ऑनर करना चाहते हैं सो अनु प्लीज कॉल देयर नेम्स